देखिए, मैं आज ये खासकर बात करना चाहता हूँ। कल परसों कल एक स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें एक क्वेश्चन किया गया पन्नू के हवाले से। तो फिर इसी जो कनाडा अमेरिका के जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, उसको डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन रेज किया गया कि इस पे क्या होगा। तो उन्होंने आगे से कहा है कि हमारे जो जॉर्ज फाइनर हैं, एक इनके स्टेट डिपार्टमेंट के फॉरेन ऑफिस के, वो भारत गए और वो जाके भारत के एनएसए से मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले, तो उनसे भी ये बात की है और हम शवाहिद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, जबकि आज एक जो नई खबर आई है, गुरप्रीत पन्नू जो है, जो कि अमेरिकन सिटीजन है। मैं बात ये करना चाहूंगा, उनके पास दो सिटीजनशिपें हैं, एक कैनेडा की और एक अमेरिका की। तो उन्होंने आज थ्रेट की है एनिवर्सरी अटैक, जो 2001 में अफजल गुरु ने किया था भारत की असेंबली पे, लोकसभा पे, जो उसके उसके वहां पे अटैक किया था, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो उस पे उन्होंने आज फिर एक दफा उन्होंने एक धमकी दी है, एक उन्होंने जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आर्चुक आजमी जी और हमारे सबसे प्रिय साजिद तरार सर, और यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो गुरवंत सिंह पन्नू है खालिस्तानी, इसको अमेरिका और कनाडा क्यों शरण दे रहे हैं। भारत के पार्लियामेंट पे और भारत की एयरलाइन एयर इंडिया पे अटैक करने की बात कर रहा है, और यह एक टेररिस्ट अटैक समझा जाएगा। इस बात को लेके अमेरिका कनाडा दोनों ने क्यों चुप्पी साधी हुई है, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे होगी, और तरार साहब अमेरिका को नंगा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों अमेरिका और कनाडा दोनों मिलकर इस टेररिस्ट एक्टिविटीज और इस धमकी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और सर, एक बड़ी खबर जो आई है पन्नू को लेकर, वही जो थ्रेट्स देता रहता है खालिस्तान मूवमेंट का आदमी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर उसने कहा है कि वो इंडिया पे अटैक करेगा, और मेरे ख्याल असेंबली का कहा है, उनका पार्लियामेंट की बात की है। देखिए, मैं आज ये खासकर बात करना चाहता हूँ। कल परसों कल एक स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें एक क्वेश्चन किया गया पन्नू के हवाले से। तो फिर इसी जो कनाडा अमेरिका के जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, उसको डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन रेज किया गया कि इस पे क्या होगा। तो उन्होंने आगे से कहा है कि हमारे जो जॉर्ज फाइनर हैं, एक इनके स्टेट डिपार्टमेंट के फॉरेन ऑफिस के, वो भारत गए और वो जाके भारत के एनएसए से मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले, तो उनसे भी ये बात की है और हम शवाहिद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, जबकि आज एक जो नई खबर आई है, गुरप्रीत पन्नू जो है, जो कि अमेरिकन सिटीजन है। मैं बात ये करना चाहूंगा, उनके पास दो सिटीजनशिपें हैं, एक कैनेडा की और एक अमेरिका की। तो उन्होंने आज थ्रेट की है एनिवर्सरी अटैक, जो 2001 में अफजल गुरु ने किया था भारत की असेंबली पे, लोकसभा पे, जो उसके उसके वहां पे अटैक किया था, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो उस पे उन्होंने आज फिर एक दफा उन्होंने एक धमकी दी है, एक उन्होंने टेररिस्ट अटैक का एक हदिया दिया है। लेकिन क्या वजह है कि आप उनके ऊपर अटैक पे करने पे अमेरिका जो है वो शवाहद चाहता है, वो केस उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये दहशतगर्दी, इसके बारे में क्यों नहीं सख्त स्टेप उठाया जा रहा है? ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। तो ये पॉलिटिकल, और मैं इसको कहूंगा कि पॉलिटिकल और जुडिशियल जो है, उस पे उसको प्रोटेक्शन दी गई है, दे रहे हैं अमेरिका और कनाडा दोनों मिलके। लेकिन मेरा एक ओपन चैलेंज ये है, आज कोई भी इंसान कांग्रेस पे अटैक करने की धमकी दे तो अमेरिका किस तरह रिएक्ट करेगा उस पे? आज कोई भी शख्स जो है वो किसी अमेरिकन एयरलाइन को, इस तरह जिस तरह उसने एयर इंडिया का कहा था कि 19 नवंबर पे मैं कहूंगा कि कोई भी भारतीय इस पे, इंडियन एयरलाइन पे ट्रेवल ना करे, एक उसने एक खौफ जो था, एक दहशत फैला दी थी पूरे भारत के अंदर। तो फिर आज अगर कोई 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 शख्स, जिंदा शख्स कोई भी आज किसी अमेरिकन एयरलाइन को इस तरह थ्रेट करे, तो कितने F-16 उड़ेंगे, कितने ड्रोन उड़ेंगे, क्या दुनिया ऊपर से नीचे ये किस तरह करेंगे? प्रीएम्प्टिव अटैक इन्होंने करके, तो वहां पे इराक में एक भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था, उसके उन्होंने छीथड़े उड़ा के रख दिए, मिलियंस और मिलियंस लोगों का, जो बेदोषे लोगों का वहां पे उन्होंने मर्डर किया। लीबिया आज तीन मुल्कों में डिवाइड हो चुका है। लेकिन मेरा मकसद है कि खुद
ये अगर पूछा जाए तो ट्रूडो साहब कह देते हैं कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वहां पे उन्होंने दुनिया भर के जो जितने दहशतगर्द हैं उनको पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में उन्होंने मेरा मकसद इनके डबल स्टैंडर्ड है उनको वहां पनाह दे रखी है। तमिलनाडु के जो लोग थे उनको इन्होंने पनाह दी थी। मुजीबुर रहमान का मर्डर है वहां कनाडा के अंदर खुला फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज जो है एक अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन जो है जो कि वांटेड है भारत के अंदर और मुसलसल थ्रेट कर रहा है सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उस पर किसी का कोई जुरिस्डिक्शन ही किसी कोर्ट की नहीं है। एयर इंडिया को मुसलसल थ्रेट किया था उसने और कोई पूछने वाला नहीं था। कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज उसने फिर एक असेंबली और असेंबली का इजलास होने वाला है वहां पे उनका लेजिस्लेशन का इजलास होने वाला है, और उसने वही जो एनिवर्सरी आ रही है 2001 की जो अफजल गुरु ने वहां पे हमला किया था, तो उसी का उसने एक एक, एक दोबारा एक नया ड्रामा बना दिया और कोई उसको पूछने वाला नहीं। मैं इस पे बिल्कुल मैं इस पे आ, आ, ये मैं अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पे मैं आई विल प्रोटेस्टेड, ये ज्यादती है बिल्कुल। उसको आप जब मेरा आपको प्रूफ चाहिए तो उनको भी तो प्रूफ चाहिए, उनको भी तो सुकून चाहिए। इस बंदे को या तो इसको लगाम दे, इसको रोके आप, इसको इस पे चार्जेस लगाए आप, धमकियां दे रहा है। एक नेशनल एयरलाइन है, एक इंडिया का सिंबल है एयर इंडिया, उसको उसने थ्रेट कर दी। आज उनकी जो है असेंबली का इजलास होने वाला है और फिर उसने फिर दोबारा थ्रेट कर दी और उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये किस किस्म का एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये किस किस्म के ये बोलने की आजादी है कि लोगों का, मेरा मकसद एक थ्रेट कर रहा है कारोबार को, एक एक उनका नेशनल सिंबल एयरलाइन है उसको थ्रेट कर रहा है। आज उनके लेजिस्लेशन प्रोसेस होने वाला, उसका सेशन शुरू होने वाला, फिर उसने नई थ्रेट कर दी। कोई उसको रोक, कोई लगाम देगा तो फिर है ये क्या है, किस तरह करेंगे? अगर यहाँ पे 6 जनवरी का हवा बना दिया था आपने, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता, वो क्या ख्याल है? आज अगर यहाँ पे कोई अमेरिका में बात करे कि इलेक्शन जाली हुए हैं, फौरन उसके पीछे पड़ जाते हैं, एफबीआई घर में चली जाती है, एफबीआई को केजीबी बना दिया उन्होंने यहाँ पे अमेरिकन के लिए, या अपने मुल्क के अंदर रिपब्लिकन के लिए उनका दूसरा स्टैंडर्ड है। तो वहां पे जो, जो ये अच्छी बात है कि जो मर्जी का मेरे भाई उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं पॉलिटिकल और जुडिशियल, ये ज्यादती है, मैं इस पे बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा। मगर सर कहीं ना कहीं फिर ये बात तो साबित होती है जो लोग पहले बात कर रहे थे कि जो इंडिया की सक्सेस है, चाहे वो चंद्रयान हो या दूसरे चीजें जो उनके चल रही है, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। देखिए ये तो बिल्कुल बात ठीक है, ना सिर्फ 7.8% पे उनकी इस वक्त इकॉनमी तरक्की कर रही है, जितना पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे कि वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं, और यही मैं मेरी नजर में तो यही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के में अंदर जो अमेरिकन के पेट में दर्द है वो यही है। उसकी वजह यह अपनी इकॉनमी स्लगिश है, अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने बच्चे नशों पे लगे हैं, और जो तरक्की पे जा रहा है मुल्क उसको उसको रोकना चाहते हैं मेरे ख्याल में। तो ये मेरे भाई इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आपको यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे अमेरिकन सॉइल के ऊपर ना करे, लेकिन अमेरिकन सॉइल के ऊपर अगर कोई बैठ के बार बार धमकियां दे रहा है, बार बार एक दहशत फैला रहा है, तो उसको कौन रोकेगा भाई? ये तो गलत बात है। खालिस्तान की बात, कितने लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? कई दफा इसने कहा जी मैं रेफरेंडम कराना, वहां शो ऑफ ही कोई नहीं करता, 15-20 लोग खड़े होते हैं वहां पे। लेकिन ये दौर 21st सेंचुरी का झगड़े वाला दौर नहीं है भाई। टेबल पे बैठ के बात करो, अगर तुम्हें खालिस्तान का इतना इशू है, जाओ खालिस्तान में, जाओ इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर सरदार तो रहा कोई नहीं है, सारे तो बाहर चले गए, वहां खालिस्तान बना के उसमें रहेगा कौन? ये कैसी बातें करते? जितने पढ़े लिखे सरदार है सारे खुश हैं भारत के अंदर, कोई उनको इशू नहीं है। लेकिन पता नहीं ये क्या एक ड्रामा है, कारोबार बना दिया। जिस तरह मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमारा जिस तरह पाकिस्तान और मुसलमानों ने जिहाद का ड्रामा है, इधर दूसरी साइड में देखो तो खालिस्तान एक कारोबार बन चुका है। तो ये बातें इनको रोकनी चाहिए। मुझे तो वो चले जो कुछ भी है, अमेरिका के ऊपर आज अफसोस हो रहा है कि इज एन अमेरिकन सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन है वो, और उसके ऊपर एलिगेशन है भारत के अंदर। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो उसको भी तो कोई लगाम दे। दोस्तों आप सभी को अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड तो पता ही है। पहले ये किसी एक को खत्म करने के लिए एक एंटिटी तैयार करता है, फिर उस एंटिटी को खत्म करने के लिए दूसरी एंटिटी तैयार करता है, फिर तीसरी एंटिटी तैयार करता है, और उसी में ये अपना फायदा ढूंढ लेता है। कनाडा और अमेरिका मिलकर अभी यही काम कर रहे हैं कि जो गुरवंत सिंह पन्नू को इन्होंने आश्रय दिया हुआ है, हालांकि गुरवंत सिंह पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों की सिटीजनशिप है, लेकिन जब कोई सिटीजन
भले वो अमेरिकन सिटीजन हो या फिर कैनेडियन सिटीजन हो, भारत पे अटैक करने की धमकी दे रहा हो, एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने की बात कर रहा हो, भारत की एयरलाइन को उड़ाने की बात कर रहा हो और ऑनलाइन वीडियो में आकर खुद ये ऐलान कर रहा हो कि 19 नवंबर को एयरलाइन से कोई भी ट्रैवल ना करे, इसमें आपके जान माल का नुकसान हो सकता है, इस तरह का ऐलान करना क्या अमेरिकन सिटीजन या कैनेडियन सिटीजन को शोभा देता है? और अगर ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो फिर इसमें अमेरिका ने कोई भी बयान नहीं किया, ना ही कनाडा ने एक बयान किया। हालांकि कनाडा तो काफी बुरी तरह से पिट चुका है, इंटरनेशनल पटल पे उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी है, अब बारी अमेरिका की लगती है। अमेरिका ने हालांकि प्योर तरीके से नहीं कहा कि भारत खालिस्तानी को मरवाने में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये अंदेशा जताया है कि हो सकता है भारत शामिल हो। कि मिनिस्ट्री ने अमेरिका से और कनाडा से जवाब मांगा तो कोई भी जवाब नहीं आया। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि भारत का हाथ इन खालिस्तानियों को मरवाने में है। ये खालिस्तानी आपस में लड़ झगड़ कर मर रहे हैं और इसी का फायदा अभी अमेरिका उठाता हुआ देख रहा है। गुरुवंश सिंह पन्नू ने जिस तरह से भारत पे अटैक करने की बात की है, अफजल गुरु ने 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो अभी उसका एनिवर्सरी पूरा होना है और उसी के चलते भारत के पार्लियामेंट को उड़ाने का ऐलान गुरुवंश सिंह पन्नू ने किया है। दोस्तों यह एक थ्रेट है कंट्री के लिए, अमेरिका और कनाडा दोनों को मिलकर इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर कोई सिटीजन आपका दूसरे देश में जाकर ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो उसको रोकना चाहिए और भारत को इन्होंने हेल्प करनी चाहिए गुरुवंश सिंह पन्नू को ढूंढने में या फिर उसको ठिकाने लगाने में। इस मसले का हल कनाडा और अमेरिका दोनों मिलकर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे देखा तरार साहब ने किस तरह से अमेरिका को धोया है, कनाडा को धोया है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।